हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं SSC से रिलेटेड RRB CVT 2 की कट ऑफ के बारे में। देखिए, हम पहले देख लेते हैं कि उसके अंदर वैकेंसी कितनी थी और फॉर्म कितने फिलअप हुए थे। तो उसके अंदर वैकेंसी थी 13,487 वैकेंसी थी आपकी, और इसके लिए जो CVT 1 में फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे लगभग 22 लाख के आसपास आपके फॉर्म भरे गए थे। CVT 2 में जो कैंडिडेट गए हैं वो पोस्ट के 15 गुना कैंडिडेट गए हैं, और CVT 1 की कट ऑफ जैसा कि हमको पता ही है सब हाई बता रहे हैं, तो बहुत हाई गई थी। और CVT 2 के अंदर जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे वो पोस्ट के 1.5 टाइम्स ऑफ पोस्ट के लिए जाएंगे। लगभग 2,230 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। हम देखते हैं SSC के अकॉर्डिंग RRB JEE CVT 2 की कट ऑफ के बारे में। तो मैंने ये कुछ डाटा इकट्ठा किया है, ये है SSC जूनियर इंजीनियर 2017-18 की कट ऑफ टायर फर्स्ट की। आपको पता है सबको कि SSC जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होता है वो दो भागों में होता है, दो टायर्स में होता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि जो SSC का पहला पेपर होता है ये 200 नंबर का होता है, और इसके अंदर UR, OBC, SC, ST, OH और HH की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 58%, 55%, 50%, 52%, 45% एंड 30%। ये बगल में इसके नंबर भी लिखे हुए हैं। ये थी सिर्फ सिविल की। अगर आप बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की थोड़ी सी हाई गई थी, 68% UR की गई थी और 66% OBC की, 60% ST की, 57% ST की और 56% OH की, और HH की गई थी 41%। तो अगर हम बात करते हैं टायर टू की, तो टायर टू में कंबाइंड उन्होंने लिस्ट दी थी कि किसके कितने नंबर आए हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो UR थे उनके 240, लगभग 500 में से, आपको पता है कि जो पेपर होता है वो 200 टायर फर्स्ट और 300 टायर टू, जब जाके 500 बनते हैं। आपको पता है कि UR, OBC, SC, ST ये कैटेगरी है, और ये गई थी कि 500 में से 48% लगभग 49% ही गई थी, और SC की गई थी 44%, ST की 45% और OH की 46% और HH की 30%। इलेक्ट्रिकल की आप देख लीजिए, वैसे ही UR की गई थी 60% और OBC की गई थी 59%, SC की 53% और ST की 53%, OH की 59% और HH की 32%। अब हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ SSC टायर टू के बारे में। टायर टू की जो कट ऑफ गई थी 300 में से, वो सिविल इंजीनियर की 42%, OBC की 44% और SC की 39%। देखिए आप कितना डिफरेंस आया है। टायर फर्स्ट में जो कट ऑफ गई थी UR के लिए वो 58% गई थी, और टायर टू में अगर सिंपली हम देखे जाएं तो 58 से डायरेक्ट कम होकर 42% आ गई, यानी कि लगभग आप देखें तो 16% का डिक्रीमेंट हुआ है। वहीं अगर इलेक्ट्रिकल में देखें तो टायर फर्स्ट में 68% कट ऑफ गई थी 200 में से, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो टायर सेकंड में 300 मार्क्स का जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो कट ऑफ गई थी वो थी 55%, लगभग 13% का डिफरेंस है यहाँ पर। लगभग सभी में डिफरेंस ही डिफरेंस है, यानी कि जो सेकंड पेपर की कट ऑफ जो गई है वो पहले पेपर की कट ऑफ से कम गई है, ये बताया जा रहा है। अब इसमें देखते हैं कि RRB जूनियर इंजीनियर में जो पोस्ट थी वो 341 पोस्ट थी, और इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे वो 10,41,600 कुछ भरे गए थे, और अपीयर कैंडिडेट जो देने गए थे वो 5,69,000, ये थोड़ा गलत हो गया मेरे से, ये यहाँ पे ये नहीं होगा, ये 5,69,953 बच्चे जो अपीयर हुए थे कैंडिडेट हुआ है,
लगभग लगभग एक पोस्ट पर 16,715 कैंडिडेट थे। यानी कि देखो कंपटीशन कितना हाई था। आरआरबी में तो कुछ भी कंपटीशन नहीं है इस हिसाब से। पोस्ट में, पोस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर ये 15 गुना बच्चे भी सीबीटी 2 में पास करते हैं, अपने पेपर सेकंड टायर सेकंड में पास करते हैं जो ये बोलते हैं, तो 5,115 कैंडिडेट पास करते हैं। अगर 20 गुना लेंगे अपनी पोस्ट का तो 6,820 कैंडिडेट पास करेंगे। यानी कि अब ये देख लीजिए कि एसएससी जेई का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है आरआरबी जूनियर इंजीनियर से। अब हम देखते हैं आरआरबी जूनियर इंजीनियर सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ क्वालिफिकेशन। जो मार्क्स रखे गए थे मिनिमम, वो यूआर के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25। 100 मार्क्स का था तो लगभग 40 का 40, 30 का 30, 25 का 25 ही हो गया। कट ऑफ जो गई थी हमारी पेपर फर्स्ट के लिए, वो यूआर के लिए 60 से 70, ओबीसी के लिए 55 से 65 और एसटी के लिए 45 से 55 मार्क्स, और एसटी के लिए गई थी 40 से 50 मार्क्स। अब देख लेते हैं सीबीटी 2 की कट ऑफ क्या जाने वाली है। सब कह रहे हैं कि 100 जाएगी, 200 जाएगी, 105 जाएगी, ये है वो है। तो आप खुद इंजीनियर हैं, आपको समझना चाहिए कि दूसरे पेपर की कट ऑफ भी अगर 70-75-80% तक जाने लग गई तो वैकेंसी क्या होगा। और वैकेंसी भी कोई कम नहीं। एसएससी में तो मैंने आपको बताया कि एसएससी में तो सिर्फ और सिर्फ 341 वैकेंसी थी, और यहाँ पे तो हमारी 14,000 वैकेंसी हैं, 14,000 के लगभग वैकेंसी हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कट ऑफ क्या जाने वाली है। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी हमारी कैटेगरी हैं। जो इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल की है, ये हम, मैं मानता हूँ कि हाँ ये थोड़ी हाई जाएगी। इसमें हो सकता है कि 60-70% के बीच में और 55-65% के बीच में ओबीसी, और एससी जो जाएगी वो 45-55% के बीच में जा सकती है। एसटी 40-50% के बीच में जा सकती है। सभी जोन्स की जो हैं, 17 जोन हैं या 21 जोन हैं, सभी जोनों की जो कट ऑफ है वो 10% के अंदर ही लाई करेगी। 10% के अंदर ही, या तो किसी की कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, लेकिन इन 10% के अंदर ही लाई करेगी, इनसे बाहर नहीं जाएगी। सिविल इंजीनियर की, जैसे कि आपको पता है, पोस्ट ज़्यादा है तो उसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। यूआर के लिए 55-65% के अंदर, ये नॉर्मलाइज मार्क्स भी हैं और ये रो मार्क्स भी हैं, इसी इन्हीं 10% के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि रो मार्क्स भी और आपके नॉर्मलाइज मार्क्स भी। क्योंकि नॉर्मलाइज मार्क्स ये नहीं कि आपके 50 मार्क्स बढ़ जाएंगे या आपके 20% बढ़ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ओबीसी के लिए 50-60% रखा गया है, यानी कि नंबर में देखें तो 75-90%, और एससी के लिए 40-50% रखा गया है सीबीटी 2 के लिए, एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है जहाँ तक मुझे लगता है। और एसटी के लिए 35-45%, 52.50-67.5 नंबर्स जो लाएगा वो सीबीटी 2 में क्लियर हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डीवी के लिए जो कैंडिडेट लिए जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो 2,280 लिए जाने हैं, लगभग 20,000 के आसपास लिए जाने हैं। जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है उसका लगभग 1.5 टाइम्स।